हेलो दोस्तों, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में। बात करेंगे एनबीए के बारे में, बोस्टन सेल्टिक्स वर्सेस एटलांटा वॉक्स के बीच जो मैच होने वाला है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग लाइनअप देख लीजिए, और इसमें कुछ खास इंजरी न्यूज़ भी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो आपको पूरा देख लेना है। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि किस तरह से लास्ट का गेम बोस्टन सेल्टिक्स उतनी अच्छी तरीके से नहीं चला था, और दोस्तों यहाँ पे ओल हॉरफोर्ड नहीं खेला था, ठीक है। लेकिन अभी ओल हॉरफोर्ड अवेलेबल है, और दोस्तों पिछले कई गेम से जॉन कोलिंस को दोस्तों यहाँ पे इंजरी हुई है और आउट है, लेकिन इस बार भी दोस्तों 99% चांस है कि वो नहीं खेलेगा, ठीक है। उसकी जगह डलिनो गलिनरी स्टार्ट करेगा, और दोस्तों यहाँ पे लू विलियम्स जो है उसका एक बैकअप गार्ड वो आउट होने वाला है, इसको आपको पिक नहीं करना। तो बोस्टन सेल्टिक्स की स्टार्टिंग लाइनअप यहाँ पे देख सकते हो, मार्कस स्मार्ट स्टार्ट करेगा, ब्राउन और तैतम दोनों स्टार्ट करेंगे, और हॉरफोर्ड और विलियम्स दोनों स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एटलांटा की बात करूँ तो एटलांटा में यहाँ पे ट्रे यंग होने वाला है, बोगदानोविच होने वाला है, केविन हटर हंटर दोनों स्टार्ट करेंगे, या तो दोस्तों बात की जाए तो डलिनो ग्रीनरी स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक मेरे ख्याल से दोस्तों हंटर स्टार्ट कर सकता है, और दोस्तों स्टार्टिंग लाइन में सेंटर में जो है क्लिन कपेल आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक्स टू दोस्तों फ्रिज नीड जिसने वीडियो स्पॉन्सर किया है। दोस्तों आप कहीं पर भी हो, ठीक है, आप बाहर नौकरी कर रहे हो, या तो फिर आप जॉब कर रहे हो, या आपको खाने की दिक्कत हो रही है, बाहर खाने का मन नहीं कर रहा, तो दोस्तों कभी भी कुछ भी यार बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे खा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ, इस पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इस पर आपको कॉल कर लेना है, ठीक है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉल कर लीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है, जहीं पे भी कहाँ पे भी आप रह रहे हो, ठीक है। ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और अब दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसा होता है घर पे हम अकेले होते हैं, खाने की दिक्कत होती है, कभी भी मन करे कभी भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। अभी एक बार दोस्तों लास्ट का गेम देख सकते हो, एटलांटा वॉक्स का दी आंद्रे हंटर 37 सबसे ज़्यादा मिनट खेला था, और दोस्तों टोरंटो रैप्टर्स को हराया था, ठीक है। 14.4 रिबाउंड 4 असिस्ट स्कोर किए थे, सॉरी दोस्तों यार ट्रेयंग की बात करूँ 37 मिनट में 41 पॉइंट 11 असिस्ट से अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों इस मैच में बहुत लोगों का डाउट होगा कि जैसे तैतम को स्टार प्लेयर बनाए या ट्रेयंग को स्टार प्लेयर बनाए, डाउट क्लियर करेंगे, वीडियो पूरा देखना। उसका डलिनो गलिनरी भी देख सकते हो, कुछ खास नहीं कर पाया था, लेकिन दोस्तों जो सेकंड लास्ट गेम था उसने 26 पॉइंट और 9 रिबाउंड लिए थे, ठीक है, डलिनो गलिनरी ने। उसके बाद केविन हटर देख सकते हो, बोगदानोविच देख सकते हो, ठीक है, ये दोनों का अच्छा काम किया था। उसके बाद दोस्तों क्लिन कपेला को कम समय मिला था, और ओकोग्नो को ज़्यादा समय मिला था, और ओकोग्नो ने अच्छा खासा काम किया था। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लिन कपेला अच्छा खेल जाता है, ठीक है, तो इन दोनों टीम्स के भी दोस्तों हमेशा की तरह यहाँ पर बात की जाए, एक अच्छा खेलेगा दूसरे मैच में दूसरा अच्छा खेलेगा, ऐसा चलता रहता है। बाकी दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर बेंच प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। दोस्तों लाइनअप अपडेट टीम अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीम, विजन इलेवन की टीम मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ये फ्री है, ठीक है। आप यहाँ पे सारी विनिंग देख सकते हो, बहुत सारे लोग दोस्तों विनिंग कर रहे हैं, आपको विनिंग करना है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों लास्ट गेम तो हमने एटलांटा वॉक्स का देखा, अभी सेकंड लास्ट गेम भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल सके, ठीक है। इस गेम में दोस्तों ट्रे यंग ने कोई उतना अच्छा शूटिंग नहीं किया था, इसकी ही वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है पॉइंट उसके कम है। उसके बाद बोगदानोविच अच्छे खासे फॉर्म में है, अच्छा काम कर रहा है। डीएंड्रे हंटर दोस्तों इस पर इंजर्ड हो गया था, या तो फाउल ट्रबल, मेरे को नहीं मालूम, मैंने गेम नहीं देखा, शायद दोस्तों इंजर्ड हो गया था, ठीक है, इसकी वजह से सिर्फ 13 मिनट खेला था। डलिनो गलिनरी 34 मिनट में 26 पॉइंट 9 रिबाउंड, केविन हटर दोस्तों 35 मिनट में 9.3 रिबाउंड। उसके बाद क्लिन कपेला की बात करूँ तो 14.17 रिबाउंड और 2 ब्लॉक के साथ उसने अच्छा काम किया था। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मैच में दोस्तों इसको और दूसरे मैच में इसको, ज़्यादातर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि क्लिन कपेला को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिले ओकोग्नो से। बाकी दोस्तों यहाँ पे बोस्टन सेल्टिक्स देख सकते हो हार गए थे, ठीक है, ओल हॉरफोर्ड नहीं था, मार्कस स्मार्ट ठीक ठाक काम किया था, जेसन तैतम 24 पॉइंट 5 रिबाउंड 3 असिस्ट, ब्राउन ने उससे अच्छा काम किया था 23 पॉइंट, लेकिन उसने 8 असिस्ट स्कोर किया था। उसके बाद डबल डबल लगाया था 4 ब्लॉक के साथ यहाँ पे रॉबर्ट विलियम्स ने, ठीक है, अच्छा काम कह सकते हैं। बेंसिया के वाइट है 11.3 ब्लॉक किया था। प्रिचर्ड दोस्तों 14.6 रिबाउंड, एक अच्छा खासा 3 पॉइंटर शूटर है पैथन प्रिचर्ड, बैकअप सेंटर के लिए डेनियल थाइस है, बाकी कोई उतना अच्छा खास नहीं है।
ड्रीम इलेवन टीम के बारे में बात करें तो सभी कैटेगरी में से दोस्तों हम चूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है कि या तो इसे स्टार पर बनाया है या तो वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है। तो यंग को तो लेना ही पड़ेगा अगर आप एसएल खेल रहे हो तो। अभी दोस्तों मार्कर स्मार्ट बोगदानविच, ये दो ऑप्शन है। अगर थोड़ा सा आपके पास ज़्यादा क्रेडिट है डेड क्रेडिट तो दोस्तों स्मार्ट को ले सकते हो, वरना दोस्तों बोगदानविच के साथ जा सकते हो, ये भी अच्छी पिक हो सकता है। अगर दोस्तों अगर आपको यहाँ पर मेन पिक लेनी है, जैसे ब्राउन भी लेना है, तैतम भी लेना है, और बात की जाए तो रॉबर्ट विलियम्स भी लेना है, तो यहाँ पर पेथन प्रिचर्ड के साथ आप जा सकते हो। ओनली 5.5 क्रेडिट में अवेलेबल है, ठीक है, ये आप सोच सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पे ये तीन खिलाड़ी है, ये दो स्टार्ट करेगा, ये बेंच से खेलने वाला खिलाड़ी है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ग्रेट विलियम्स बेंच है, केविन हटर बेंच से, ये स्टार्ट करने। लेकिन तो आपने देखा होगा किस तरह से डीएंड्रे हंटर लास्ट गेम अच्छा खेला था, लेकिन हाँ दोस्तों इस सीजन डीएंड्रे हंटर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। हटर भी फॉर्म में नहीं है, दोनों उतने अच्छे कोई खास फॉर्म में नहीं है। विलियम्स को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है खेलने के लिए, ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं विलियम्स को लूँगा। लेकिन उससे दो अच्छे खिलाड़ी हंटर और हटर है, ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें आ रहा है क्रेडिट इशू। क्योंकि मैं यहाँ पे तेतम को भी लूँगा दोस्तों, विलियम्स को भी लूँगा, 48 क्रेडिट हमारे पास बचे हैं, हम दोनों को लेंगे। अगर बोगदानविच और स्मार्ट हम दोनों को लेंगे तो थोड़ा बहुत तो क्रेडिट इशू आने ही वाला है। यहाँ पर देख सकते हो हटर हंटर विलियम्स तीनों को दोस्तों एक साथ हम ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, हम तीनों को एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ चेंज करना है तो दोस्तों क्या चेंज करना है कि कुछ टीम में आपको ब्राउन को ट्राई करना है, ठीक है, ब्राउन को ट्राई करना है, और कुछ टीम में दोस्तों डी वाइट जो आप देख सकते हो उसको ट्राई करना है। भले आपको यहाँ पे स्मार्ट को निकालना पड़े, किसी टीम में दोस्तों आपको तैतम को भी निकालना पड़े तो निकाल सकते हो, उसकी जगह दोस्तों ब्राउन ज़रूर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और ट्रेंग की जगह भी दोस्तों कुछ निकाल के किन कपेला जैसे खिलाड़ी ट्राई कर सकते हो। ऐसी दोस्तों कभी कभी पिक जो है ग्रैंड लीग भी विन करा जा सकती है, ठीक है, लेकिन बार बार नहीं दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसा फायदा मिल सकता है। बाकी स्टार पर वाइस कैप्टन की दोस्तों दिक्कत थी कि दोस्तों यहां पे प्रोडक्टिविटी की बात करूं, चाहे डिफेंस हो, ठीक है, पॉइंट स्कोरिंग हो, तो दोस्तों डिफेंस में तैतम का नाम अच्छा आएगा, ये उतना अच्छा कोई खास डिफेंडर नहीं है ट्रेंग, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों पॉइंट स्कोरिंग की बात करूँ तो लीड कर रहा है अभी दोस्तों, दोनों में कंपैरिजन करूँ तो दोस्तों लीड कर रहा है ट्रेयंग, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा थ्री पॉइंटर शूटर है और अच्छा स्कोरिंग कर रहा है, और इस सीजन बकवास शूटिंग रहा है जेसन तैतम का। रिबाउंड की बात करूँ तो तैतम ज़्यादा लेगा, जिसका दोस्तों 1.2 आपको मिलेगा, और दोस्तों आशीष ज़्यादा स्कोर करेगा ट्रेयंग, अभी वो भी दोस्तों टॉप 5 कैटेगरी में है ट्रेयंग, ठीक है, आशीष स्कोर करने के मामले में उसका मिलेगा दोस्तों 1.5 पॉइंट, ठीक है, ये आपको देख लेना है। बाकी आपको समझ लेना है कि कौन सा अच्छा रहेगा कौन सा नहीं, ठीक है। बाकी दोस्तों थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि जेसन तैतम के साथ कुछ लोग जा सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए स्टार प्लेयर के लिए, क्योंकि दोस्तों ये ट्रंप कार्ड पिक हो सकते हैं, क्योंकि एसएल में ज़्यादा लोग दोस्तों ट्रेयंग को लेंगे स्टार प्लेयर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, अपने आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर करना। बाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, टेक केयर।